और फाइनली हमने रिवील किया अपना बिजनेस और बहुत जल्द इंशाल्लाह हमारा पेज बन जाएगा। क्या होता है बा, आपको यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी नहला धुला के फ्रेश करा दिया, ये जा रही है, ये रह गई थी ऐसा ऐसा और पड़ा है, अब उसको भी वैसे ही चाहिए। आप बाद में लगाना, आपकी दो पौनियाँ बनी हुई है ना। बस गाड़ी में पिन्ने पड़ी और चलो, अबू ने इसका नाम बिल्ली रखा हुआ है। चलो चलो चलो, पापा बाहर खड़े हुए हैं, चलो जरा जो ये बैग पहनो, बैग पहनो, बैग यहाँ से, ये वाला, हाँ अब यहाँ से पहनो। गुड गर्ल, अंदर बैठ बैठ के धूप इनसे बर्दाश्त नहीं होती। हाँ सही है, ये पहन लो, आ जाओ अब। चलो आज 3 दिन से मेरे बच्चे लगातार सारे बोल रहे हैं, बल्कि सब बच्चे बोल रहे हैं कि वहाँ चले जॉयलैंड। 3 दिन से मैं बंद कर रही हूँ, आप जाओ बड़ी अम्मा। मैंने कहा 3 दिन से बच्चे हमें बोल रहे हैं लगातार जॉयलैंड का, और हमारे पास टाइम ही नहीं मिल पा रहा ना, लेकिन आज कोशिश करते हैं ना इनको लेके जाने का। बैठो बैठो बैठो, आ गया मेरा पार्सल, बैठो बैठो, ये मैंने सामान मंगाया था। देखो जो मैं ऑनलाइन शॉपिंग बिल्कुल नहीं करती थी, अभी जब से अपना काम शुरू किया तो उसके लिए कैसे मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ। पार्सल है जो मैंने खुद ऑनलाइन शॉपिंग की है, ये सामान है हमारे बिजनेस का। बाय 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 मम्मा का, बाय बाय, अल्लाह हाफिज बोलो मम्मा। मम्मा ने सामान मंगाया ना, अल्लाह हाफिज सैबा, छोड़ दो, बाय बाय बच्चो। अब रह गया एक मुस्तफा, नीचे पापा बुला रहे हैं आपके। देखो आप कितना अच्छा लग रहा है ये ट्राउजर आप पर, ऐसे ही कल बोल रहा था कि छोटा लेकर आई है, ये अच्छा लग रहा है ना, सही पूरा आ गया आप पे, अच्छा लग रहा। मेरा ब्लैक वाला ब्रश का है। पर ये देखे राबिया बाजी भी तैयार हो गई हैं, कौसर की दावत पे जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है और खैर खैर ऐसे। आज बच्चों को ट्यूशन इस वजह से जल्दी भेजा है, ऑनलाइन क्लासेस इनकी शुरू हैं क्योंकि अभी बंद हैं, 2-4 दिन तक स्कूल बंद रहेंगे तो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, इस वजह से ट्यूशन भी जल्दी जा रहे हैं। और बाकी इसके अलावा आज है कौसर की तरफ से दावत, मुझे नहीं है ना, बाकी हाँ सारे घर वालों को दी है, बाकी सबको बुलाया उसने, तो बाकी सब तो जा रहे हैं, वही सब जा रहे हैं, बच्चों को ट्यूशन भेजा। अभी मैं फ्रेश हुई हूँ और मैं निकलती हूँ अपने काम के लिए, जहाँ पर हमारा ये काम शुरू हो रहा है, तो वहां पर थोड़ा बहुत काम समझाना, मैं वहीं जाऊंगी। और राबिया बाजी को हम छोड़ेंगे कौसर के घर पर, इनको वहां पर छोड़ देंगे, मैं फिर आगे निकल जाऊंगी। आ रही हूँ, खैरो चलते हैं। अच्छा अभी अबू ने तैयारी की, पहले अबू कह रहे थे मैं नहीं जा रहा, अबू जा रहे उधर, अच्छा चलो अभी अबू ने सबको देखा ना, सब जा रहे हैं, जा रहे हो, चले चलो सब चले, चलो चलते हैं। ये साथ में रोटियां भी ले ली हैं, क्या क्या पकाया हुआ आज घर पर। राबिया बाजी दिल लगा हुआ है, आज आप अपनी जेठानी से मिलने के लिए जा रही हैं, आपको कैसा फील हो रहा है, देवरानी होगी, देवरानी, मैं आपकी देवरानी हूँ ना, मैं आपकी जैसे देवरानी हूँ, कौसर भी तो वैसे हो गई ना, ये फीलिंग्स अलग है, मैं बता नहीं सकती। क्यों नहीं लग रहा है कि क्या कर रहे हैं हम। नहीं नहीं कोई बात नहीं, पास ही घर है, मैं वहाँ बाबर के घर से हो लूंगी, आप वहीं से हो लीजिएगा। ये बेल तो देखें, जबरदस्त बहुत, ये यहाँ देखें ना, फ्रेश फ्रेश लगता है, इतना भर गई है ये, बहुत ज्यादा, हमारा पौधा पीछे से सारा इसने छुपा दिया, इतनी बड़ी हो गई है। लेकिन ये प्यारी लगेगी जब ऊपर जाएगी ना, हाँ फिर इसके ऊपर लगेंगी तुरियां, लगे तो फिर पता चले कि हाँ कुछ मिल भी रहा है ना, लग तो बहुत प्यारी रही है, देखो अंदर तक फैलती जा रही है, अब वहाँ पर जा रही है वहाँ तक। ये अंगूर की बेल, ये भी अभी लगाई थी, अंगूर की है ये, अंगूर अच्छा, की मैं इसे कोई मतलब यूं जैसे वो झुमका बेल है या ये समझ, नहीं नहीं अंगूर छोटा सा पौधा लगाया था, 6 महीने में इतना बड़ा हो गया, हाँ, फिर इसकी ग्रोथ सही हो रही है, हाँ इसकी ग्रोथ, ये इस पे लगेंगे अब अंगूर का मौसम आएगा। अब वो सब बैठ गए, हम पीछे बैठते हैं, चलो हमारे यहाँ शहर में आएंगे ना, आपको यहाँ पर हरे हरे पेड़ दिखेंगे, बिल्कुल जू है यहाँ पर, ये देखे कितने खूबसूरत पेड़, आपने कभी देखे ऐसे, नहीं बिल्कुल, इस्लामाबाद की खूबसूरती हमारे पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, सफाई खूबसूरती हरियाली और बहुत ऊंचाई। अच्छा यहाँ पर 1 साल तो हो गया, हम 1 साल से ऊपर हो गया ना, अब हम यहाँ से कहीं बाहर जाते हैं ना तो हमें बहुत पुराना पुराना लगता है, यहाँ का शहर ऐसा लगता है जैसे नया बना हो पाकिस्तान में, बना था ना इस्लामाबाद, अभी न्यू इस्लामाबाद भी तो है ना, बन भी रहा है, बारिश होती रहती है, हर एक चीज धुल जाती है तो साफ सुथरा रहता है। तो राबिया बाजी अपनी देवरानी के घर पहुँच गए, नहीं मैं नहीं जा रही, नहीं मुझे उधर छोड़ो बाबर, नहीं 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 छोड़ो उधर बाबर के घर छोड़ो, सामने आगे थोड़ा गाड़ी ले जाओ, मैं वहीं चलूं, अब देखो उसने बुलाया नहीं, अच्छा लगता मैं से पहुंच जाऊं, हाँ उसको बुलाना चाहिए था ना साजिद भाई, बाबर का घर है, हाँ अबू इधर ही है, इधर बाबर का घर यहाँ सामने ही है। चले मैं तो जा रही हूँ, ठीक है फिर मिलेंगे हम,
ठीक है, हम जल्दी मिलते हैं। ये ले आपको बैग। खाना खा के आ जाए, सही है। ओके, ये खड़ी है बाबर की बाइक बाहर, शायद इसने अभी अभी धोई है, अभी मैं पहुंच गए इनके। अस्सलाम वालेकुम, बाबर है घर पे? कोई नहीं है, मतलब हम वापस चले जाएं? पैदल जाइए। हाँ, वॉक करते करते। मैं वॉक करते करते आ गई हूँ। कैसे हो मीर? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक हो? नहीं है कोई भी, चाचू भी नहीं है घर पर। जैसे यहाँ मैं बाबर के घर पहुँची हूँ, आगे बाबर भी गया हुआ किसी काम से, और देखो सुमेरा ने, हम साथ में बातें करते रहे। जल्दी जल्दी चाय भी लेकर आइए, बिस्किट भी। तो बहुत मजे वाली लग रही है झाग वाली, ये खुला दूध है ना, फ्रेश दूध की। और देखो बाकी मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान लिया था, जो हमारे वर्कर हैं जो काम करेंगे इंशाल्लाह हमारे आगे बिजनेस के लिए, तो थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें थी। मैंने सामान ला कर रखा है, चाय के कप ला के रखे हैं, ये नमक भी लिया है, छोटा सा एक चूल्हा लिया है, और साथ में ये एक पतीली लिया यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें भी मैं खोल रही थी, और साथ में ये देखो ये अंडे साथ में ला कर रखे हैं, ये एक बास्केट ली है, ये देखो ये थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सारा सामान ला के रखा है जैसे उनको काम आएगा। एक ये मैंने ला के रखा है, सारा भी मैं खाली कर रही थी, तो ये सारे थैलियों से मैंने निकाला है, ये लेकर अभी आए हैं थोड़ी देर पहले। सारा सामान ना हमारे वर्कर्स के लिए जो काम करेंगे हमारे बिजनेस में, तो उनके लिए थोड़ा थोड़ा सामान मैंने जमा किया जिनको हम रिहाइश देंगे। बाकी तो जो डेली का काम होगा वो करके चले जाएंगे, लेकिन जिनकी रिहाइश होगी हमारे साथ वो रहेंगे, उनके लिए कुछ सामान हमने लिए है। बाकी इसके अलावा ये हो गया चाय की पत्ती, हो गई घी ले लिया, दूध ले लिया, ये चीनी ले लिया, अभी सारे मैंने पैकेट्स में रखे हैं, डब्बा मैंने ही लाई साथ में। चाय की पत्ती ली है प्यारी सी मिली है, ये भी हो गई साथ में, कुछ ना साथ में स्टील के ग्लास भी हमने ले लिए ऐसे, तो ये हो गए साथ में। एक पानी का कूलर हो गया, तो ये थोड़ा थोड़ा सामान मैंने लिया है। ये कप जो है निकाल के फिर हम इस डिश में रख देते हैं। यहाँ पर मैं भी होंगी तो साथ में मैं भी अपने लिए चाय बनाया करूंगी, चाय भी पीऊंगी साथ में यहाँ बैठकर। तो हमने हर एक चीज यहाँ पर भी रखी है ना, देखो कप का डिजाइन कितना ज्यादा प्यारा है ना, काफी खूबसूरत प्यारे मिले इनको। अभी खैर वॉश करना पड़ेगा, फिलहाल यहाँ रखते हैं। तो मैंने कप भी सारे निकाल के रख दिए, बर्तन सारे वॉश करके लगाने पड़ेंगे। साथ में एक टिश्यू का डब्बा हो गया अभी ला के रखा है, साथ में ये टिश्यू रोल भी हो गया, और कुछ ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो मैंने ली हैं अभी, तो मैंने सोचा अब इनको खोल के रखते हैं। चूल्हा बहुत अच्छा मिल गया। ये देखो बाबर भी अभी आ चुका है, और बाबर की तरफ से आज है हमें टी पार्टी, चाय पार्टी, चाय पार्टी। और इसमें देखो इतना कुछ इसने बना दिया है, और मुझे लग रहा है ये जो केटल मैंने दिया था ना बाबर, ये सिर्फ जब तुम लोग आते तभी मैं यूज करता, नहीं तो पड़ी रहती। वही तो मैंने कहा जब भी आती हूँ मुझे इसी कप में चाय मिलती है, और ये जब से नया सेट इन्होंने निकाला सिर्फ मेरे लिए निकाला है। तुम लोग आते ना इसको फिर धो के फिर आपको पिला के फिर इसको संभालता। अच्छा, तो मतलब मैं लाई थी और सिर्फ मेरे लिए इस्तेमाल, हम उसको उसी में पिलाएंगे। यहाँ पर मजेदार गर्मा गर्म चाय बन गई है। अभी हम आ चुके हैं वापस अपने घर पे, और ये रहा मेरा मुन्ना, मेरा शहजादा, जो कि एकेडमी से वापस अभी आ चुका है, और आज भी हमारा जॉयलैंड वाला प्लान वही रह गया मेरे काम की वजह से। और आज हम क्या करने वाले हैं? आज गाइस जिस चीज का आपको कब से सबर था कि ये मम्मा क्या बार बार काम कर रही हैं, क्या काम है मम्मा को इतना मसरूफियात, मम्मा कभी कहाँ जा रही हैं कभी कहाँ जा रही हैं, तो आज माँ फाइनली रिवील करने वाली हैं कि उनको किस चीज का इतना ज्यादा वो बिजी थी किस चीज में। और आज हाँ मम्मा आपको अपनी मेहनत जो है रिवील कर देंगे कि इतने दिनों से किस, आज हम अपना बिजनेस रिवील करने वाले हैं। हाँ जी, स्पेशली अपना मम्मा का फर्स्ट बिजनेस रिवील करने वाली हैं। पता है जब आप छोटे थे ना, और मम्मा आपको ट्यूशन लेकर जाती थी, पहले ये अपने शोल्डर सही दे करो, बहुत ज्यादा चौड़े करने की जरूरत नहीं है, वो जब जिम जाओगे तब बॉडी बन जाएगी। नहीं, वो पता क्या है, मुझे लगता है मेरे ऐसे लटके हुए। नहीं नहीं, सही है सही है, नॉर्मल करो नॉर्मल, ठीक है। जब आप छोटे थे ना, मैं आपको ट्यूशन स्कूल ऐसे छोड़ती थी, बहुत छोटे जैसे 2-2.5 साल के थे, टीचर कहती थी कि आप इसे लिपस्टिक लगा कर आई है, आपके लिप्स इतना पिंक थे, अभी तो खैर ये कुछ खा कर आया इस वजह से बहुत लाल हो रहे हैं। क्या क्या खाए? जामेश्वरी, ये जामेश्वरी पी के आए बचपन में जब थे तब पिंक थे होंठ, अब आप बड़े हो रहे हो गाइस, डोरेमोन को बुलाना, लेकिन अभी भी इसके लिप्स वैसे नेचुरल वो हैं, ज्यादा लाइट है, मतलब कलर लाइट लाइट पिंक सा आता है। ये तो सेट हो गया सही से, ये यहाँ पे बस अब ठीक है। तो चलो हम गए थे, मैं तो खैर बाबर के घर पे गई थी, बाकी मेरे सुसर हो गए, मेरे जिठानी हो गई, वो गए थे कौसर के घर पे। जैसे मेरे साथ रिश्ता है वैसा सेम कौसर के साथ भी है, तो वहां पे भी जाना बनता था, उसने इनवाइट किया होता सुबह, मेरे हस्बैंड ने सारी तैयारी व्यारी वहां पर खाना, मतलब वो जो सामान वामान देना होता है कि आज क्या पकेगा, सारा प्लान उन्होंने सुबह से किया हुआ था, सामान देकर आए थे वहां पर, सारा कुछ रेडी था। मैं चली गई थी बाबर के घर पे, और उसके बाद फिर मेरा व्लॉग ही नहीं बना क्योंकि मुझे साथ में काम भी देखना था,
थोड़ा बहुत जो हमारे वर्कर है उनके लिए सामान हमने लेना था, चीजें लेनी थी कि वहां पे जो काम करेंगे उनके लिए। और उसके साथ साथ फिर आज मैंने दिमाग बना लिया कि आज हम जो है ना अपना बिजनेस रिवील करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से ये चीजें चल रही हैं, बहुत टाइम से हम कर रहे थे और मैं इस वजह से नहीं बता रही थी कि मेरी ना कुछ चीजें कभी कंप्लीट हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था और एक बिजनेसमैन कोई है भी नहीं आसपास। जैसे मेरी एक यूट्यूब की लाइफ नई शुरू हुई थी ना, वैसे भी ये एक नई लाइफ शुरू हो रही है बिजनेस की तरफ, तो इस वजह से इतना आइडिया नहीं था हमें। और YouTube की लाइफ में भी ऐसा आइडिया नहीं था, जब शुरू शुरू में मैंने अपना चैनल बनाया था कोई भी नहीं था मुझे बताने वाला, मैंने जीरो से शुरुआत की थी। उस चीज़ को अपने दिमाग में लेकर मैंने इस चीज़ की भी शुरुआत की कि जब उस टाइम पे कोई नहीं था और उस टाइम पर मैंने अपने दिमाग से एक सोच सोच के YouTube से सीख के मैंने शुरुआत की थी, तो क्यों ना अब भी वही चीज़ हम शुरू करें। और अगर हम दूसरों को देखते रहें कि फलां का ये इतना बड़ा बिजनेस है और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो फिर हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। और इस तरीके से जब मेरा YouTube चैनल भी था तो मुझसे बहुत बड़े बड़े व्लॉगर ऑलरेडी पहले भी थे। अगर मैं ये सोचती कि बहुत सारे पहले यूट्यूबर हैं मेरा तो नहीं चलेगा, तो मैं फिर कभी भी नहीं बना सकती थी, कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। तो यही है कि छोटी सी शुरुआत हो, कुछ ना कुछ आपको करनी चाहिए और बाकी अल्लाह पाक साथ देता है। नीयत अच्छी होनी चाहिए, आपका दिल साफ होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, तो अल्लाह पाक भी ज़रूर साथ देते हैं। तो ये सोच रख के हमने इस चीज़ को शुरू किया। तो आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ कैसे शुरुआत हुआ और हमारा कौन सा बिजनेस है। बहुत सारे लोगों ने आइडिया भी लगाया, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कमेंट भी किए थे, काफ़ी लोगों को आइडिया था, पता भी था, तब भी चुप रहे मेरे लिए कि सितारा आएगी वो बताएगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि उसने शुरुआत की है तो वो खुद बताए। तो उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। तो चलो बात शुरू करते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे मेरे दिमाग में ये सब आया। देखो दिमाग में तो ये चीज़ें रहती हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये चीज़ें चलती रहती हैं। और कोई कोई चीज़ ऐसी होती है जिसमें आपका शौक भी होता है, वो चीज़ फिर आपको और ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट आपका बढ़ता है। आज से तकरीबन 9-10 महीने तो हो गए होंगे हमारा जो मीटअप कराची में हुआ था, जो मेरा पहला मीटअप था। और वहाँ पर आपको याद होगा कि एक मैं किसी काम से जा रही थी और मैंने आप सबको बताया था कि मैं किसी काम से जा रही हूँ, अगर वो हो गया तो मैं आपको बताऊंगी, अभी फिलहाल आपसे शेयर नहीं कर रही। तो वहाँ पर मेरा एक काम था, वहाँ पर ना कराची में बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ से मिलती है सिलाई मशीन, जो कि अच्छी क्वालिटी की मशीनें मिलती हैं। मैंने वहाँ से जाकर मशीनें उठाई थी, तो फाइनली आपको समझ आ गया कि मैं अपना एक कपड़े का एक ब्रांड बना रही हूँ, हम कपड़ों की शुरुआत कर रहे हैं, कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। ये मैंने सबसे शुरुआत मशीनों से की थी और ये चीज़ मेरे बहुत टाइम से थी जब मैं छोटी थी। और बीच में मैंने आपसे एक दफ़ा शेयर भी किया था कि मैं डिज़ाइनिंग का कोर्स करूँगी, जब मैंने थोड़ा बहुत कपड़े खरीदे थे आपसे, मेरा थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मैं कुछ बताती भी थी आप सबको। से ये है कि ना देखो, मैंने मशीनें ना उस टाइम पर खरीद ली थी और मुझे तकरीबन अच्छी खासी महंगी पड़ी थी, 2.5 लाख के करीब ऐसे मैंने वहाँ से मशीनें, सिलाई मशीनें ली थी। हमने वहाँ से पैक वैक करा के हमने यहाँ पर भिजवा दिया अपने इस्लामाबाद में। अब वहाँ से पैक होके आई हुई को तकरीबन वही 10 महीने हो ही रहे हैं, 9 महीने पता नहीं 10 महीने, पिछली सर्दियों की बात है, अभी दोबारा सर्दियाँ आ रही हैं, तो एक साल से एक दो महीने कम की बात है ये। तो उस टाइम की पैक हुई हुई यहाँ पे मशीनें पड़ी पड़ी पड़ी, हम प्लान करते। अब देखो मुझे ना बिजनेस का आइडिया नहीं था, शौक तो आपको होता है, बहुत सारी चीज़ों का आपको शौक होता है, आप ये वाला बिजनेस कर लो, ये वाला कर लो, वो कर लो, शौक होता है इंसान को कि हाँ करना है, लेकिन आपको एक सही क्या बोलते हैं रास्ता दिखाने वाला नहीं होता, कोई बताने वाला नहीं होता, जो ऑलरेडी बिजनेस में है वो आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। और ये चीज़ें ना मैंने जब मुझे शौक था मैंने सिलाई मशीनें को खरीद ली, बहुत दिमाग अपना भी लगाया कि नहीं करना है यही वाला करना है। कुछ महीने गुजरने के बाद, एक दो महीने गुजरने के बाद, मतलब कोई मुझे ना कोई मशवरा नहीं दे रहा था, मतलब मैं किसी से अगर मशवरा करना चाह रही थी, किसी से कुछ पूछना चाह रही थी, तो कोई बताने वाला नहीं था और ऐसा कोई बंदा नहीं था जो इस फील्ड में हो और मुझे गाइड करे। तो मैं हिम्मत हार चुकी थी और मैंने ना मशीनों को जैसे पैक थी ना मैंने नहीं खोला और मैंने रख दिया था। और ये कोई काफ़ी टाइम ये पड़ी रही है, सारी चीज़ों से मैं थक हार के ना बैठ गई कि मतलब सोच सोच के बहुत ज़्यादा मैंने अपने दिमाग
पे ना एक टेंशन ले ली थी कि मुझे करना है लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरुआत लें, कैसे करें। मैंने क्या किया कि मैंने मशीनों को वहाँ साइड पे रख के फिर से दोबारा अपनी व्लॉगिंग पे आई। फिर बीच में कौसर आ गई थी यहाँ पर, उसने यहाँ पर अपनी शिफ्टिंग की, घर लिया, फिर इब्राहिम पैदा हुआ, फिर हॉस्पिटल का, फिर कभी किस बच्चे की बर्थडे, फिर गर्मियों की छुट्टियाँ, फिर हमारा बाहर का प्लान। तो ये सारा चीज में हमारा बिजनेस बहुत पीछे रह चुका था, जहां मुझे शुरू से इस चीज की टेंशन थी। और आप सब मुझे हमेशा कहते थे कि प्लीज आप कोई अपना बिजनेस करो, यू टेंशन थी कि कुछ करना है। और साथ साथ फिर जब मैंने ये चीज देखी कि मैं जब कौसर यहाँ पर शिफ्ट हो गई, तब शुरुआत में सब ठीक था, फिर थोड़ा थोड़ा जैसा होता है ना कि जब ट्रायंगल वाला रिश्ता हो ना आपका, तो उसमें बिल्कुल परफेक्ट तो जाहिर सी बात है नहीं चलता, थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। और वो सारी चीजें मैं अपने दिमाग पे लेती थी, टेंशन लेती थी, और टेंशन से फिर जाहिर सी बात इंसान की तबीयत खराब, घर का माहौल खराब, और ये सारी चीज़ें, चिड़चिड़ापन, मेरे हस्बैंड की अलग खराब, मतलब उनको भी सुकून नहीं था, मेरी लाइफ में मुझे सुकून नहीं था। तो मैंने तब डिसाइड किया कि आप कुछ भी करके ना अपने आप को बिजी करना है। मैंने बहुत हो गया, मैंने कहा मैं फ्री बैठती हूँ, मैं व्लॉग बनाती हूँ, तो मैं कभी किसकी सुन ली, तो सबकी सुन सुन के ना वो सारी चीज़ें मैं अपने दिमाग पे लेती हूँ, जिससे मैं अपने ना अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा बेसकूनी हो गई है। अब बेसकूनी को ख़त्म कैसे करना है कि खुद को बिजी करना है। जब हम खुद में बिजी हो जाएंगे तो हमारे पास टाइम ही नहीं होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किसी के लिए कोई टाइम नहीं होगा, और मैं उसमें बिजी हो जाऊंगी। मुझे ये वाली लाइफ चाहिए थी, मुझे अपने आप को बिजी करना था। तो बस फिर मैंने डिसाइड किया कि अब कुछ भी करके मुझे अपना दोबारा से ये काम शुरू करना है। और आपको पता है कि इस बीच में मैंने बहुत सारे आइडियाज चेंज भी हुए थे, मतलब जब मैंने वहां से सिलाई मशीनें अपनी खरीदी थी, बीच में चेंज भी हो जाता है ना, जैसे कोई समझाने वाला, कोई गाइड करने वाला नहीं था। मैंने क्या सोचा, फिर मैं वापस अपने ट्रैक पे आई कि नहीं, जिस चीज़ का शौक इंसान को होता है ना, वो शौक आगे आपको लेकर जाता है, और बाकी सारी चीज़ें तो आप एक वो करते हो कि हाँ ये वाला ट्राई कर ले, वो चीज़ नहीं करनी, शौक को भी साथ में लेकर चलना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। मेरा शौक ना बचपन से ही था, जब मैं छोटी थी तब से, मैंने आपको एक अपनी स्टोरी भी शेयर की थी, अम्मी कपड़े सिलाई नहीं करने देती थी, तो अम्मी की चोरी चोरी मशीन उठा ली, वहां से किसी का दुपट्टा कुछ भी मिल जाता था जैसा पुराना, तो उसको काट के जल्दी जल्दी कोई किसी की शर्ट बना ली, बच्चों के कपड़े बना लिए। तो वो मुझे बचपन से शौक था, मैंने कोई सिलाई नहीं सीखी थी, लेकिन करते करते हाँ, मैंने जब मेरी शादी हो गई उसके बाद मैंने कुछ क्लाइंट के जैसे होते हैं ना कपड़े, वो भी स्टिचिंग करती थी, कपड़े सिलाई करती थी, अपने करती थी, बाकी जैसे आसपास के मोहल्ले के थे उनके करती थी। तो एक शौक तो मुझे इस चीज़ का शुरू से था, तो मैंने कहा क्यों ना हम उस शौक को ही आगे लेकर चलें। अब मैंने आपसे एक दफ़ा शेयर भी किया था कि डिज़ाइनिंग का कोर्स करना है, कोर्स भी इस वजह से कर रही थी कि एक मसरूफ हो जाऊंगी और अपने शौक को भी आगे लेके चलूंगी। जैसे मेकअप का था तो मेकअप के हमने कोर्स किए, तो उसमें एक इंटरेस्ट था मेकअप में भी, तो उस तरीके से मुझे इसमें भी था कि नहीं अब कपड़ों की डिजाइनिंग में भी कोर्स करना है। तो खैर वो कोर्स तो खैर मैं नहीं करने के लिए जा सकी आपके सामने, अगर जाती तो जरूर शेयर करती, कोर्स करने के लिए नहीं जा सकी, लेकिन अपना माइंड हमने सेट किया। क्योंकि देखो जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था ना, यूट्यूब पे कुछ लोगों से जैसे मैंने बात की थी कि कैसे चैनल बनता है क्या है, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये किया था कि आप कैसे शुरुआत करें, इसके तो कोर्स होते हैं, सीईओ के कोर्स होता है, आपको वो करना पड़ेगा, आप तो चैनल नहीं चला पाएंगी। तो देखो मैंने कोई कोर्स नहीं किया था, मैंने यूट्यूब से सारा कुछ सीख के अपना चैनल बनाया, और वो चीज़ें तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान सीखता है। आज भी फिर मैंने उसी चीज़ को सोच के इस चीज़ की एक शुरुआत की है, छोटी सी शुरुआत की है, हम कोई बहुत बड़े डिज़ाइनर नहीं है, बहुत बड़ी शुरुआत नहीं कर रहे, छोटी सी शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन छोटी सी शुरुआत के लिए भी हम अपने दिमाग में तो बहुत कुछ सोच के उसको छोटा सा समझ लेते हैं कि हाँ ये तो 5 मिनट का काम है, 10 मिनट का काम है, ये 1 दिन का 2 दिन का काम है, कर लेंगे। लेकिन उसको भी जब आप शुरू करने बैठते हो ना, तो अच्छी खासी चीज़ें, हर एक चीज़ सेट करना, उसको भी टाइम लग जाता है, भले इतना सा भी काम क्यों ना हो। फाइनली मैंने अपना बिजनेस रिवील किया, ये सारी स्टोरी थी। पिछले 1 साल से मशीनें लेकर घर पे रखी हुई थी, शौक बचपन से था, और वो चीज़ें बस आज कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही हैं कि कभी शौक था और आज देखो कि ना, मतलब वो चीज़ें मैं कर रही हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसमें कामयाबी देगा, आप सबका साथ है, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे,
और उसके अलावा साथ साथ सीखते जाएंगे, आइडियाज मिलते जाएंगे। जब तक आप किसी काम में जाओगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं, और जब तक आप बैठ के सिर्फ सोचते रहोगे कि ये करेंगे कैसे होगा कैसे होगा, तो वो आप कभी भी लाइफ में नहीं कर सकते। डिसाइड किया और बहुत कुछ हमने उस चीज़ों में कंप्लीट किया है, काफ़ी कुछ कंप्लीट हो चुका है, और बहुत जल्द इंशाल्लाह आप सब मेरे मुझसे कपड़े खरीदोगे, हमारे ब्रांड से कपड़े खरीदोगे। और बाकी इसके अलावा आप सबके लिए भी एक छोटा सा काम है, जाते जाते आपको बता दूं कि मैंने अपने ब्रांड का नाम सितारा यासीन सोचा है। अगर कि आप मतलब एक रखा हुआ है, बाकी आपके दिमाग में कुछ हो कि सितारा यासीन नहीं रखना चाहिए या कुछ डिफरेंट रखना चाहिए, तो आप मुझे अपने आइडियाज़ ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। किसी का हो सकता है क्लिक कर जाए, बहुत डिफरेंट और अच्छा भी लगे, तो आप ज़रूर अपना मशवरा दीजिएगा कि हमें अपने कपड़ों के ब्रांड का नाम सितारा यासीन जो मैंने रखा हुआ है वही रखें या फिर इसमें कोई चेंजिंग करें। क्योंकि बीच में आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि लोगो बन गए ये सारा कुछ, क्योंकि उसमें ना मैंने सितारा यासीन नहीं रखा था, उसमें मैंने नाम चेंज रखा था, लोगो बनवाया था। और हाँ, क्या हुआ था कि ना वो सारा प्रिंट होके जब आया ना, तो वो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी और फिर हमें वो अच्छा भी नहीं लगा, और उसको मैंने एक साइड पे रख दिया। और फाइनली मैंने यही सोचा कि हम अपने नाम से ही करते हैं, सितारा यासीन के नाम से ही हम ब्रांड बनाते हैं। तो बस ये था हमारा बिजनेस जो फाइनली मैंने रिवील कर दिया है। हम ऑनलाइन कर रहे हैं, अपने घर से एक शुरुआत कर रहे हैं छोटी सी। आप सबका साथ चाहिए उसमें, आप सबका ढेर सारा प्यार चाहिए मुझे उसमें। अल्लाह पाक ज़रूर इसमें हमें कामयाबी देगा, आप सबकी ढेर सारी दुआएं हैं, इसके पीछे हमारी बहुत सारी मेहनत है। और बस यही था जो कि आप सबको भी बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट थी कि पता नहीं क्या काम शुरू होने वाला है, क्या कर रही है सितारा। तो बस यही था, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको अपने प्यारे प्यारे से आर्टिकल दिखाऊंगी और हमारा पेज बाकायदा बनेगा। पेज अभी नहीं बना, नाम फाइनल अभी तक मेरे दिमाग में सितारा यासीन है, आप सब भी बता सकते हो। और बाकी इसके अलावा सच में जब आप बिजनेस में एक नई नई एंट्री करते हो ना, तब क्या करें क्या नहीं करें उसके लिए एक दिल चाहिए बड़ा, कि जो भी होगा देखा जाएगा, चलेगा तो चलेगा, बस देखा जाएगा, इंशाल्लाह चलेगा, ऐसे सोचना है। और इसका एक बाकायदा एक छोटा सा जैसे कारखाना होता है वो हमने बनाया है, जहाँ पर दो चार लोग बैठ कर हमारा ये काम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो बस मैं मिलूंगी कल आपको नए व्लॉग के साथ, और ढेर सारी दुआएं करिएगा, बाकी गाँव में याद रखिएगा। बस यही कहना है कि ढेर सारी दुआएं करिएगा, अल्लाह इसमें हमारे लिए बेहतरी करे, आमीन। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।